उन सारी आवश्यकताओं को पूरा करने का काम जिस प्रकार के यहाँ स्थानीय विधायक ने निरंतर लग करके पूरा कराने का काम किया हो, चाहे वह पुल पुलिया हो। दरियाबाद विधानसभा में बस अड्डे का शिलान्यास एवं भूमि पूजन भाजपा के मुख्य अतिथि सांसद लल्लू सिंह व दरियाबाद विधायक सतीश चंद्र शर्मा के द्वारा किया गया। बस अड्डे का शिलान्यास लोगों को आने जाने में हो रही तकलीफ को देखते हुए दरियाबाद विधानसभा के विधायक सतीश चंद्र शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि बस अड्डे की पहल से जिससे उनके क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आने जाने में कोई समस्या ना हो। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों के सहयोग से सरकार द्वारा 336 करोड़ रुपए की लागत से बस अड्डे का निर्माण कराया गया। चाहे वह पुल पुलिया हो, चाहे वह सड़कें हो, चाहे वह देवस्थान का सौंदर्यीकरण हो, चाहे वह टाउन एरिया बनाने का काम हो, सभी तरफ समान रूप से क्षेत्र का संतुलित विकास कैसे हो, इसका प्रयास सतीश शर्मा जी ने जो किया है उसके लिए हम आप सबकी तरफ से उनको बधाई देते हैं। जब सतीश शर्मा टिकट मांग रहे थे, हम एक बात बताना चाहते हैं आप लोगों को, तो हमने विधायक चेयरमैन साहब से, कमलाकांत जी से सब बात हमने नहीं की थी, तो भारतीय जनता पार्टी दरियाबाद में गांव गांव स्थापित हो जाएगी, संगठन मजबूत हो, जो जीवन का अनुभव था काम करते करते, उस अनुभव के आधार पर हमने टिकैत नगर के चेयरमैन साहब से, कमलाकांत जी से और लोगों से इस बात की चर्चा की। और आज 4.5 साल हो गया, आपके बीच में वह दिखाई पड़ रहा है। कोई भी अच्छा जनप्रतिनिधि, घर का मुखिया, अगर उसके दिमाग में निरंतर यह बात रहती है कि हमारे घर में कहां कहां हमको क्या करना। सभा को संबोधित करते हुए कई योजनाओं के बारे में बताया। कार्यक्रम में उपस्थित निवर्तमान जिला अध्यक्ष अवधेश श्रीवास्तव, दिलीप मिश्रा, रिंकू सिंह, मुलायम सिंह, सर्वेश लोधी, पवन वर्मा, राहुल वर्मा, विपिन जैन आदि सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अब आप सतीश चंद शर्मा को भी सुन लीजिए। आजादी के बाद जिन्होंने अपने चाहे उनको ऊर्जीकृत करने का काम रहा हो, और चाहे आजादी के बाद तमाम गरीब लोग जो अपनी पन्नियों में कच्चे मकानों में रहा करते थे, जो छप्पर में रहा करते, चाहे उनको आवाज देने की बात रही हो, हर चीज को बहुत नजदीकी से हमने देखने का काम किया था। और साथियों मित्रों, इससे पहले अगर मैं बात करूं तो 2003 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और 2012 में फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। और उन सरकारों के दौरान जनता की ये मांगे लगातार नेताओं से चलती रही। लेकिन जनप्रतिनिधि हो सकता उन्होंने प्रयास किया हो, मैं इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये जनता की समस्याएं जस की तस खड़ी रही। वो काम तब पूरा हुआ जब प्रदेश के अंदर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो आज उनके नेतृत्व में रामसरई घाट को टाउन एरिया का भी दर्जा दिलाने का काम हुआ और यहाँ पर बस अड्डे का शिलान्यास भी काम संपन्न हो रहा और स्टेडियम के काम को हमने पूरा करने का काम किया और 4 पुलों को ऐतिहासिक स्वीकृति आजादी के बाद 5 वर्षों में कराने का काम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हुआ। साथियों, तमाम राजनीतिक लोग अपने अपने तरीके से काम करने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, राजनीति विरासत नहीं है, राजनीति संघर्ष है, राजनीति चुनौती है, राजनीति हम सबके सुख दुख में शामिल होने का एक जरिया है। और जो लोग इसको मान के राजनीति करते हैं, आज उन्हीं के साथ जनता खड़ी है। और मैं पूरे विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूं कि 2022 के अंदर, 2022 में जब चुनाव संपन्न होंगे, तो प्रदेश में एक बार प्रदेश के मुखिया पूज्य योगी जी के नेतृत्व में एक भारी भरकम सरकार बनाने का काम योगी जी के नेतृत्व में साकार होगा। साथियों, चाहे भारत
समय हो, चाहे कोरोना का समय हो, बाढ़ के समय में तमाम जगबंदी तमाम सरकारें रही, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब हमारे प्रदेश के मुखिया को योगी जी के नेतृत्व में वो दो दो तीन तीन बार दरियाबाद विधानसभा में उतारा। केवल बाढ़ पीड़ितों के प्रति उनकी इस प्रकार की संवेदना थी। कोरोना का भी जहां संकट देखा आपने, कोरोना के इस महासंकट में जिस प्रकार से योगी जी ने अथक परिश्रम करके दिन रात मेहनत करके इस उत्तर प्रदेश की जनता को कोरोना के इस महासंकट से निजात दिलाने का बचाने का काम किया हुआ ऐतिहासिक काम, शायद और कोई नेतृत्व होता तो वो संभव नहीं था। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से, जो कांग्रेस के लोगों से मैं जानना चाहता था, जानना चाहता हूँ, जब कोरोना का जो महासंकट चल रहा था, जो महादौर था, आप आखिर कहाँ थे, किसके घरों में दुबके हुए थे लोग थे, जनता को ऐसे हाल में आपने छोड़ने का क्यों काम किया, आपको इस बात का पता नहीं है। जनता, भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुखिया पूज्य योगी जी के साथ आज खड़ी हुई है। सातवीं बार दरियाबाद विधानसभा लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। अभी 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, जो हमारे माननीय सांसद जी लगातार पिछले दो तीन वर्षों का जो उनका प्रयास था, लगातार एक एक छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करना, और इकट्ठा करने के बाद जिस तरीके से आपने 84 कोसी परिक्रमा मार्ग की स्वीकृति दिलाने का काम किया, वो पूरे राम भक्तों के लिए, जो संस्कृत सनातन का जो मानने वाले लोग हैं, उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और उसके साथ साथ दरियाबाद विधानसभा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जो सरयू नदी पर हमारा उस पार का जो छोर है, रामसरी घाट और सिरौली गांव पर क्षेत्र है, जो उस पार पड़ता है, उसको भी हम कनेक्ट करने में सफल होंगे। इसलिए मैं माननीय सांसद जी के प्रयासों के लिए भी अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। साथियों मित्रों, मैं हमारे अपने निवर्तमान जिलाध्यक्ष, जिन्होंने हर क्षण हर पल, कोई ऐसा समय नहीं रहा, हर समय हर क्षण आपने हमको जिस तरीके से, हम छोटे से छोटे काम को, बड़े से बड़े काम को जब भी हम आगे बढ़े, उसमें आपने पूरी मदद करने का काम किया। आज चाहे नगर पंचायत की गठन की चाहे बात हो, चाहे स्टेडियम के निर्माण की बात हो, आज बिना आपके प्रयास से संभव नहीं था। इस नाते मैं माननीय निवर्तमान जिलाध्यक्ष जी को भी अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपके प्रति धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जो हमारे डीएम साहब और उपजिलाधिकारी महोदय की टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। परिवहन निगम के मैं अपने सभी अधिकारियों को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि बस अड्डे का एक ऐसा समय आया कि जब मैं बस अड्डे की बात कर रहा था, मुख्यमंत्री कार्यालय में मुझसे कहा गया, अगर ये बस अड्डा नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा। मैंने कहा कि मैंने वादा किया अपने क्षेत्र के लोगों से कि हम बस अड्डा बनवाएंगे। 30-30 बार फायदे वापस हुए, लेकिन वो काम, जो भी काम पूरा होने के लिए कहा जाता था, हमारे सभी अधिकारी यहाँ एसडीएम साहब से लेकर पीएम तक जो भी हमारे अधिकारी थे, वो एक एक छोटी छोटी कमियों को दूर करके मुख्यमंत्री कार्यालय में फाइल भिजवाने का काम करते थे, और उसमें पूरा सहयोग परिवहन विभाग के हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी किया करते थे। इस नाते मैं पूरे अधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।